वैसे तो डॉक्टरों को भगवान के बराबर दर्जा मिलता है, मगर वाराणसी में एक ऐसा वाकया नजर आया जिसे आप कभी भी डॉक्टर पर ऐसा भरोसा दिखाई नहीं देगा। वाराणसी के महमूरगंज स्थित सूर्य स्पेशलिस्ट सेंटर, जो वाराणसी के नामी ग्राम में इंदू सिंह का हॉस्पिटल बताया जाता है, वहां पर आज अपने मरीज के मृत्यु होने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ग्राम भट्टी निवासी संदीप कुमार को परिजनों ने उपचार के लिए वाराणसी के महमूरगंज स्थित नामी ग्रामी सूर्य स्पेशलिस्ट में भर्ती कराया था, मगर हालत बिगड़ने के बाद परिजनों को अपने मरीज से हाथ धोना पड़ा। परिजनों ने कहा कि एक ओर जहां प्रशासन ने हमारे मरीज को ठीक होने की बात कही, वहीं दूसरी ओर कई लाख रुपए वसूले, मगर हम लोगों को अपने मरीज को सकुशल वापस करने में अस्पताल प्रशासन नाकाम रहा। प्रशासन के द्वारा मरीज को लेकर घोर लापरवाही के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। ऐसे हमारे छोटे भाई सुधीर कुमार सिंह के सर में कुछ दर्द था, तो हम लोगों ने लेकर के यहाँ पे जब आया अगले बुधवार को, तो इन लोगों ने सीटी स्कैन कराया और ये बोला कि आपके बच्चे के कान के बगल में कुछ पल्स जमा हुआ है, तो उसका ऑपरेट करना होगा। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब, भाई हमारे पेशेंट को आराम हो, आप ऑपरेट करिए। तो इन लोगों ने फिर सीटी स्कैन कराया और शनिवार का डेट हम लोगों को दिया, और शनिवार को शाम को 4 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और रात को 9 बजे उसमें से निकले। तो इन लोगों ने हम लोगों को बुला के बताया कि आपका ऑपरेशन 100% सफल हो गया। उसके बाद इन लोगों ने मरीज को लेकर के आईसीयू में शिफ्ट किया, और मरीज निकला तो भले बदहोशी की हालत में था, लेकिन लोगों को ये बताते हुए गया कि मेरे सर में काफ़ी दर्द है। तो उसके बाद में हम लोगों ने 12:30 बजे तक मरीज के पास में थे, फिर आते जाते रहे, भाई आईसीयू में रहना तो था नहीं, लेकिन इन लोगों ने हमसे लोगों को 12:30 बजे के बाद ये बोल दिया कि अब आप लोग अंदर नहीं आएंगे, आप लोग जाइए आराम करिए। तो हम लोग गए, सो गए, बैठे ही थे, तब तक 1:30 बजे के करीब इन्होंने गया और हमको बुला के बोला कि आपके पेशेंट की सांस आना बंद हो गई। तो हम लोगों ने तुरंत बहुत दवा फवा लिखे, हम लोगों ने आया दवा लेकर के यहाँ से गया, इन लोगों को दिया, और हम लोगों का तो दिमाग उसी समय से अपसेट हो गया। इन्होंने ये बताया हॉस्पिटल का मामला है, ये सूर्या स्पेशलिटी हॉस्पिटल महमूरगंज डॉक्टर इंदू सिंह का हॉस्पिटल है। कितना रुपया लग गया इंदू सिंह का? कई लाख रुपया लग चुका है साहब, क्योंकि हम लोगों ने तो पैसा लेकर के आए जेब में 14-15 लाख रुपया। हम लोग इस स्तर से यहाँ पे अपने पेशेंट के लिए इलाज करा रहे थे कि भाई धरती से लेकर आसमान तक अगर एक करना होगा, जहाँ रुकना हम अपने बच्चे के लिए सब करेंगे। लेकिन यहाँ का रिजल्ट है, लोगों ने हम लोगों को तो अगले ही शनिवार को दे दिया कि पेशेंट का अपना सांस आना बंद, लेकिन बीपी और पल्स को दिखाते हुए आज 10 दिन तक ये लोगों ने हमको चल के आज ये बोल दिया कि बीपी और पल्स खत्म। खुद का सांस इनका अगले शनिवार से ही बंद है, डॉक्टर साहब लोगों ने हमको बताया। और इस आठ दस दिन के बीच में हम लोगों ने जो रात भर यहाँ रहता था, और जाकर के जब हम लोग आईसीयू में रात को 1-2 बजे जाते थे, तो हॉस्पिटल प्रशासन के जितने स्टाफ थे ये सब के सब मतलब चैनल में ताला बंद करके और अंदर से आईसीयू का सिटकिनी बंद करके सब सोए हुए हालत में मिले हैं। इन लोगों का 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास में भी है, बाकी सीसीटीवी फुटेज जो डॉक्टर हमारे ऑपरेशन किए हैं उनको लेकर के हम लोगों को दिखा करके थोड़ा सा संतुष्ट किया जाए। हम यही मांगते हैं कि भाई न्याय हो हम लोगों के साथ में, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से हमारे पेशेंट को ये तकलीफ हुआ। हमारी क्या नाम था इनका? सुधीर कुमार सिंह, ये घर पे रहते थे भट्टी में, पढ़ाई किए हैं हाई स्कूल तक, पढ़ाई छोड़ दिया था, बच्चा घर पे ही रहता। 25 साल घर का ही काम धाम करते थे।